जागरण फोरम के उद्घाटन पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दैनिक जागरण के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जागरूकता सबसे जरूरी है और जागरूकता के माध्यम से समस्याओं के समाधान के रास्ते निकलते हैं। लोकतंत्र की सबसे पहली अनिवार्यता है और वो है जागरूकता, और उस जागरूकता के लिए हर प्रकार के प्रयास निरंतर आवश्यक होते हैं। अब जितनी मात्रा में जागरूकता बढ़ती है उतनी मात्रा में समस्याओं के समाधान के रास्ते अधिक स्पष्ट और निखरते हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि हर छोटे काम के लिए सरकार पर निर्भर रहना ठीक नहीं। उन्होंने गांधी जी को याद करते हुए कहा कि आजादी के आंदोलन को जन आंदोलन गांधी जी ने बना दिया। पीएम मोदी ने बताया कि समाज सुधार के कामों को आजादी के आंदोलन से गांधी जी ने कैसे जोड़ दिया, और कुछ इसी तरह का उनका स्वच्छ भारत अभियान भी एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। आजादी के आंदोलन के लिए मरने वालों का ताता अविरत था, निरंतर था, लेकिन गांधी ने बहुत बड़ा जो बदलाव लाया वो ये था, उन्होंने इस आजादी की ललक को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने हर सामाजिक काम को स्व से अलग जो भी होता था उसको उन्होंने राष्ट्र की आवश्यकताओं के साथ जोड़ दिया और जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। सिर्फ सत्याग्रह यही जन आंदोलन नहीं था, समाज सुधार का कोई भी काम एक प्रकार से आजादी के आंदोलन का एक हिस्सा बना दिया गया। उन्होंने बताया कि देशभर में 52 लाख लोगों ने अपनी गैस सब्सिडी छोड़ दी है, जिसे कि 40 लाख लोगों को दिया गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि गैस सब्सिडी छोड़ने वालों को बताया गया है कि उनकी सब्सिडी किसे दी गई है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि देश के सामने मन तंत्र और मणितंत्र दो बड़े खतरे हैं। उन्होंने कहा कि मन तंत्र से देश नहीं चलता, देश जनतंत्र से चलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश की पत्रकारिता ने हमेशा अहम भूमिका निभाई है। दैनिक जागरण के माध्यम से जो भी योगदान दिया जा रहा है वो बहुत काम आएगा। हमारे यहाँ कहा जाता है कि राष्ट्रयाम जागरयाम वयम, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। और आप तो स्वयं दैनिक जागरण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले सरकार को इस बात का गर्व होता था कि हमने कितने कानून बनाए, मेरा इरादा है कि 5 साल में कितने कानून खत्म कर सकूं। जागरण फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते कई महत्वपूर्ण विधेयक लटके पड़े हैं, और इसी के चलते गरीबों का हक मारा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के रोजगार के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बड़ी भूमिका है, इसके जरिए करीब 62 लाख लोगों को सीधा फायदा मिला है।